जब भी हम एक बच्चे के साथ बात कर रहे हैं जी। अब हमें ये याद रखना होगा कि हम बच्चे के साथ नहीं आत्मा के साथ बात कर रहे हैं इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है क्योंकि जब हम एक बच्चा देखते हैं चाहे वो एक साल का है दो साल का हमें लगता है बच्चा है नो, सी सी यू कि हम बच्चे के साथ बात भी कैसे करते हैं एक बच्चे की तरह बात करते हैं यू you नो know, हमें लगता है उसको वो तोतली भाषा समझ में आती है करते हम हैं। हैं। कि वो बच्चा शायद अभी बोल नहीं सकता है बिकॉज फिजिकल ऑर्गन डेवलप होना है सारा आत्मा को डेवलप नहीं होना है फिजिकल बॉडी को डिवेलप होना है अच्छा ये तो हमेशा याद रखना होगा ना आत्मा तो अभी अभी दो साल पहले hmm. एक लेट से अस्सी साल के कॉस्ट्यूम में थी hmm. वो ही आत्मा वहां से निकली है सिर्फ इट्स लाइक एक सीडी डी यू नो अभी ये प्लेयर में थी इस प्लेयर से उसको निकाला और दूसरे प्लेयर में डाला अभी जो प्लेयर है वो रेडी नहीं है hmm. है ना तो प्लेयर का वॉल्यूम ठीक नहीं है प्लेयर का स्पीकर ठीक नहीं है प्लेयर अभी डेवलप हो रहा है वो प्लेयर डेवलप होने में एक साल दो साल तीन साल लगेंगे लेकिन वो सीडी जो अंदर है hmm. वो सीडी नहीं डेवलप होनी है वो सीडी तो ऐसे निकली वेल रिकॉर्डेड इट्स वेल रिकॉर्डेड एंड इट अंडरस्टैंड एवरी थिंग ये हैव हाँ टू, तो, जैसे कोई व्यक्ति कभी कोमा में होता है hmm. तो वो उस समय क्या है उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा वो बोल नहीं पा रहे वो शायद कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पा रहे लेकिन आत्मा सब कुछ कैच कर रही है और सुन रही है hmm. लेकिन आत्मा उस समय ब्रेन से डिस्कनेक्टेड hmm. है तो आत्मा थिंक कर रही है कैच कर रही है लेकिन सिग्नल जो ब्रेन को ट्रांसमिट करना है और फिर ब्रेन को जो बॉडी से करना है दैट पार्ट इज़ नॉट वर्किंग राइट तो अगर आप ऐसे व्यक्ति के सामने जाएं जो कोमा में है या अनकॉन्शियस है हमें लगेगा उनको कुछ नहीं पता hmm. चल रहा है hmm. लेकिन उनको सब सुनाई दे रहा है सब समझ में आ रहा है किसको सुनाई दे रहा है आत्मा को लेकिन आत्मा बॉडी से अभी कनेक्टेड नहीं है तो जो उसको सुनाई दे रहा है जो उसको समझ में आ रहा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इट्स लाइक आत्मा मीन्स जैसे ऑपरेटर राइट ब्रेन मीन्स कंप्यूटर एंड फिर साथ में एक मशीन तो ऑपरेटर कौन है हम द पर्सन इज द ऑपरेटर तो ऑपरेटर क्या करता है ब्रेन को कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है कंप्यूटर अकॉर्डिंगली वो इंस्ट्रक्शन एक मशीन को देता है तो सारा पावर किसके पास है ऑपरेटर के पास जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया कंप्यूटर प्रोसेस करेगा मशीन चलेगी तो ऑपरेटर मतलब आत्मा कंप्यूटर hmm. मतलब ब्रेन और मशीन मतलब फिर ये पूरा शरीर hmm. तो आत्मा ने जो इंस्ट्रक्शन दिया ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया और फिर उसको इस शरीर के थ्रू करवा लिया कि बोलना है सुनना है उठाना है खाना है चलना है वो मशीन कर रही है जब कोई कोमा में है तो उसका क्या हुआ ऑपरेटर ठीक है लेकिन ऑपरेटर कंप्यूटर के साथ काम नहीं कर पा रहा है जो वो इंस्ट्रक्शन फीड कर रहा है कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है लेकिन ऑपरेटर तो ठीक है ना बिल्कुल वी हैव टू रिमेम्बर कि आत्मा बिल्कुल ठीक है वो सुन सकती है सेम चीज एक बच्चे के साथ मशीन अभी बन रही है उसको अभी बोलना पूरा चलना सब कुछ करना नहीं आता है कंप्यूटर भी अभी डेवलप हो रहा है ब्रेन भी अभी डेवलप होना है लॉजिक अंडरस्टैंडिंग ये अभी डेवलप होना है लेकिन आत्मा दी ऑपरेटर ऑपरेटर एक साल का नहीं है मशीन एक साल की है ये हमेशा याद है एक साल का तो बच्चा है मैंने अपनी बेटी को बेटी को कहीं जाना था बोले, बोले डैडी आज संभालो वो छुप के आराम से ना जब मेरे से खेल रहा था वो निकल पाई इतना सताया मम्मी का है मम्मी इतना रोये मुझे फोन करके बुलाना पड़ा नेक्स्ट टाइम मैंने उसको बोला देखो अब आप उसको बता के जाओ राइट right. बच्चा कुछ उस टाइम पे दस महीने का था मैंने कहा अब उसको बोलो कि मैं यहाँ यहाँ जा रही हूँ इतने बजे जाऊंगी इतने बजे आऊंगी लाइक like यू टॉक टू मी hmm. तो उसने मतलब बेटा मैं बाल कटाने जा रही हूँ hmm. मुझे वहाँ टाइम लगेगा मैं कार लगा तब तक आप नाना के साथ खेलना हा? और दूध पीना और सब करना उसके बाद वो बच्चा इतना अंडरस्टैंडिंग रहा इतना छोटा सा बच्चा hmm. उसको समझाओ समझता है hmm. कि छुप चले जाओ, कौन जाओ। समझ रहा है लेकिन सोल 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 इज कम विद ऑल इट संस्कार इट अंडरस्टैंड एवरीथिंग हमें ये हमेशा याद रखना पड़ेगा एक साल पहले ये आत्मा एक सत्तर अस्सी साल के शरीर में थी वो ही आत्मा निकली है और अब वो एक साल के शरीर में है, जैसे आपने कहा दस महीने के शरीर में इवन जब वो अभी एक महीने के शरीर में है अब अगर हम सारा दिन में ये याद रखे कि हम किस बात कर रहे हैं हम उस आत्मा से बात कर रहे हैं अच्छा सो डोंट टॉक लाइक अ चाइल्ड विद विद अंडरस्टैंडिंग जैसे आपने कहा प्रॉपर कम्युनिकेशन उसको सब सुनाई दे रहा है समझ में आ रहा है वो रिस्पोंड शायद नहीं करे अभी तो ये करे भी जैसे आपने कहा ये तो रिस्पॉन्ड भी किया उस तरह से, से एक नहीं चार बार ट्राई किया हर फील्ड में डैडी यहाँ दिल्ली जा रहे हैं डैडी कहाँ गए दिल्ली गए कब आएंगे थोड़े दिन में मम्मी कहाँ पूरी भाषा नॉर्मली इनक्लूडिंग अच्छा आप इंजेक्शन की दर्द का उसको बोला मैं थोड़ी होगी आप फिक्र नहीं करना वो बर्दाश्त कर लिया क्योंकि आत्मा पहले ले चुकी है बहुत सारे इंजेक्शन यस <laughs> yes, वो ले चुकी है आप उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन दीजिए वो दिस इज ये हमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं एक्सपेरिमेंट करो प्रैक्टिकल में अनुभव देखते जाओ हम आत्मा से बात कर रहे हैं और उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ आत्मा से बात करने हैं आप देखो छोटा बच्चा होता है तो हम उसको डांट भी देते हैं उसके ऊपर तो कई बार हाथ भी उठा देते हैं तो छोटा है ना तो छोटे बच्चे पर जैसे कि हाथ उठाना अलाउड है नहीं हम लोग समझते हैं कि हम बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हैं एक, एक शब्द है डिसिप्लिन और सिखाना लेकिन एक चीज आज हमें अपने आप से पूछनी पड़ेगी हाथ उठाना किसी पर क्योंकि काफी कॉमन है मतलब हाथ उठा देते हैं छोटे बच्चे के ऊपर हाथ उठाना ये क्या साइन है अगर आज हमसे भी गलतियां होती हैं आज किसी वाइफ से अगर गलती हो और हस्बैंड उस पर हाथ उठा दे या किसी जूनियर से गलती हो और बॉस उस पर हाथ उठा दे तो चोट फिजिकली नहीं लगने वाली कोई हाथ उठाए तो क्या करे एक धक्का मार दे एक ऐसा कर दे तो फिजिकली चोट नहीं लगती है उससे लेकिन किसको चोट लगती है वट विल आई फील अगर मुझ पर कोई हाथ उठाए तो वट विल आई फील आई फील हर्ट हर्ट मीन वट हैज हैपन वट हैज दर्सन डन मुझ पर हाथ उठाया आपने से मुझे शर्मिंदा किया डिसरिस्पेक्ट यस yes, डिसरिस्पेक्ट दिस, किया है हाँ मुझे लो किया फील डिसरिस्पेक्ट किया अब छोटा बच्चा है हम उस पर कब तक हाथ उठाते है? जब तक वो छोटा है उसके बाद भी तो वो गलतियां करने वाला है गलतियां में जो भी हमें लगे कि सही नहीं हो रहा है लेकिन चार पाँच सात आठ साल तक हम उस पर हाथ उठा सकते हैं उसके बाद वो अभी भी और चीजें करेगा उल्टा जितना थोड़ा बड़ा होता जाएगा टीन है वो कई चीजें ऐसे करेगा जो हमें सही नहीं लगेंगी लेकिन तब तो हम उस पर हाथ नहीं उठाएंगे ना नहीं सिस्टर मैंने ये नोट किया मेरी लाइफ में कि अमंग फ्रेंड्स कि मैंने देखा है बीवी को जब तक वो लोग डांटते रहते हस्बैंड जब तक वो कभी खड़ी होगी बोलती ठीक है इनफ अभी तुम करोगे मैं भी हाथ उठा दूस yes. बच्चा जब बोलेगा डैड अगर आप मुझ पे हाथ उठाएंगे ना मैं आपको मार दूंगा right. मैंने यह देखा है hmm. उसके बाद से वो चुप रहे। लेकिन उस एज में जब बच्चे ने मुड़कर कहा कि अब आप पर हाथ नहीं उठा सकते hmm. right? बाद भी तो हम उसको जो आपने वर्ड किया राइट्स एंड रोंग्स सही एंड गलत तो हम उसको उसके बाद भी समझाने वाले हैं लेकिन उसके बाद हाथ नहीं उठाएंगे हम किस एज तक उस पर हाथ उठाते हैं जब तक कि वो हमारे कंट्रोल में है लेकिन आज ये पक्का करना होगा अपने साथ कि जब भी हम किसी पर हाथ उठाते हैं तो सामने वाले को क्या अनुभव होने वाला है डिसरिस्पेक्ट जो आपने कहा लो फीलिंग हर्ट फीलिंग अभी एक बच्चे किसी, को किसी इंसान की मतलब यहाँ ईगो जो होती है कितनी हर्ट होती है डिग्निटी डिग्निटी मैंने एक दिन में मेरे एक छोटा सा पप्पी था उसको मारा तो पलंग के नीचे जाके छुप गया बात नहीं किया तीन चार घंटे उसको हम बहुत तंग कर रहा था मैंने मार दिया हाँ। कुत्ता भी हाँ। खाना नहीं खाया पलंग के नीचे से निकला नहीं मनाया 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 नहीं माना मतलब तो तो हर्ट जानवर so, भी होता है dignity, तो सेल्फ रिस्पेक्ट जब हम एक बच्चे पर हाथ उठाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं वो आत्मा जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट अभी डिवेलप हो, हो रही, है।, उसकी सेल्फ एस्टीम स्वामान अभी डिवेलप हो रहा है जिसका अभी डिवेलप हो रहा है उसको क्रश करना उसको दबाना अच्छा एक बार अगर हम इस तरह से सोचें कि वो आत्मा अभी दो तीन साल पहले एक ऐसे शरीर में थी जो एक फैमिली का हेड था हो सकता है कि ऐसा बड़ा कुछ संत भी था जिसके लोग पाँव पड़ते, तो तो पड़ते हो फिली का पाँव पढ़ते हो नहीं तो हेड एंड वेरी नाइस मैन इवन इफ यू से ओके संत था या बड़े थे तब तो ठीक है एक अलग ही लेवल हुआ लेकिन और कुछ नहीं तो किसी फैमिली में बुजुर्ग तो थे ही ना वो hmm. थे ना तो वो आत्मा दो साल पहले तक एक फैमिली में एक बुजुर्ग थे और उसको आदत है रिस्पेक्ट की यस बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हम अपने आप को अब भी देख ले। सपोज हम इस कॉस्ट्यूम में हैं हम यहाँ पर हैं और हमें आदत है रिस्पेक्ट की कि सब हमें एक तरह से बात करें इस तरह से ट्रीट करें सडनली हम एक दूसरी जगह जाते हैं और हमें एकदम ऑपोजिट तरह की अगर एनर्जी मिले hmm. तो क्या होगा स्थिति अंदर

हाथ भी उठा देते हैं सुनते नहीं है कहते तो बच्चा है इसको क्या मालूम विल सोल एक लाइफ में भी तो होता है ना सिस्टर जैसे बच्चे की आप बात कर रहे हैं बाप का भी तो होता है बच्चा समान देता रह देता रह देता सडनली बाद में डैडी को कुछ नहीं मालूम है ओल्ड तो वहाँ बट अगेन ऐसा भी तो होता फिर है, है फर्क पड़ता है लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं सिचुएशन को समझना कॉम्प्रिहेंड करना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आप बात कर सकते हैं किसी से वॉट यूर फील भी करते हैं ना एक बच्चा तो एक्सप्रेस भी तो नहीं कर सकता अपनी बात को वो ये भी नहीं, बता नहीं सकता बात करे कई बार बोलते ठीक है आज के बाद इसको नहीं सिखाते हम लेकिन एक बच्चा ये भी नहीं बता सकता किसी को कि आई गेट हर्ट विद दिस एक बार हमने एक पब्लिक प्रोग्राम में ऑडिटोरियम था सपोज थाउजेंड लोग बैठे थे अप्रॉक्सीमेटली तो हमने कहा सभी बच्चे सिर्फ स्टेज पे आ जाओ ना जो टेन से बिलो दस साल से छोटी एज के सभी बच्चे स्टेज पे आ जाओ तो अबाउट फोर्टी फिफ्टी चिल्ड्रेन केम ऑन द स्टेज तो उनसे ऐसे ही पूछा जैसे छोटा सा ग्रुप बनाकर सब बड़े बैठे हैं सामने सब यहाँ पूछा इनको कि आपके जीवन में दर्द का वॉट इज द कॉज ऑफ पेन इन योर लाइफ छोटे हो स्कूल ही अभी जाना शुरू किया है ऐसी तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं, नहीं चाहिए आपकी लाइफ में आपके जीवन में दर्द का क्या कारण है कौन सी बात से आपको कभी दर्द होता है कॉमन आंसर ऑफ एवरी चाइल्ड प्रेजेंट है जब हमारे पेरेंट्स hmm. हमें डांटते हैं या हम पर हाथ उठाते हैं इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल इमोशनली पेनफुल एंड सारे वो पेरेंट्स जो वहां बैठे थे और वो बच्चों ने जो इनोसेंट है ना जो है वो बोल दिया सीधा से एकदम से मतलब कुछ पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए उस टाइम सिर्फ देख के, के हम जो कर रहे थे बिकॉज पेरेंट इंटेंशन बहुत अच्छे है ना पेरेंट की इंटेंशन तो बहुत मुझे है। दुख लग लगा उन्होंने इतने वो स्वीट बच्चे कहते बहुत दर्द होता है जब हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं या हम पर हाथ उठाते हैं अब पेरेंट जो बैठ कर ये सुन रहे हैं उन्होंने कहा लेकिन जब हम डांटते हैं इट इज ओनली फॉर द गुड ऑफ द चाइल्ड आप किसी और को डांटो बाहर तो भी आपको लगे हाँ कि मैंने डांटा उसको बुरा लगा होगा लेकिन जब आप बच्चे को डांटते हो तो आपको लगता है कि आप बच्चे के अच्छे के लिए उसको डांट रहे हो hmm. आपकी इंटेंशन ही इतनी अच्छी है कि ये कुछ भी गलत ना करे ये सही रास्ते पे चले ये इतना परफेक्ट बच्चा हो इंटेंशन इतनी प्योर है लेकिन एनर्जी कौन सी जा रही है लेकिन मैंने भी लाइफ में एक बार बहुत अच्छी इंटेंशन रख के अपने वाइफ को कुछ जोर से बोल दिया था तो उसने एक ही बात बोली आप बोलो डांटो कुछ भी करो लेकिन बेन आई एम अलोन मेरे कमरे में आप सबके सामने ये बोलेंगे मुझे बहुत दुख हुआ yes, because... और बच्चों को भी कई बार मैं फ्रेंड्स yes. के सामने उनके दोस्तों के सामने खेलते हुए yes. अभी तक टाइम एक थप्पड़ मारा और लेके हटा आपको कल तुम्हारा टेस्ट है और तुम अभी खेल रहे है। उनका क्या हाल होता होगा जब उनको में सिर्फ अपने देते आपको उस जगह पे रखना है, अपने उस पर रखना है। कि अगर हम अपने किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं ठीक है ठेके? और हम सब लोगों के बीच में हैं और कोई आए हमारा अथॉरिटी फिगर यू नो you know? आर पेरेंट आज अभी भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आके मेरी मम्मी आगे एक लगा और बोले मालूम नहीं खाने, खाने का टाइम हो गया देन डांटते दे, हाथ उठा दे खींचते सबके सामने इंटेंशन अच्छी है भोजन पर लेकर जा रहे हैं लेकिन एनर्जी तो जब वो बच्चों ने ये बताया कि हमें बहुत दर्द होता है अंदर इट्स रियलाइजेशन फॉर पेरेंट्स कि हमारा ये कर्म जो अच्छे इंटेंशन का था हमारे बच्चे को अंदर से इतनी तकलीफ देता है क्या और ये वोंड कहीं ना कहीं अंदर दबा हुआ रहता है जल्दी ठीक 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 होता होता नहीं नहीं है है ये वोंड होना बड़ा मुश्किल है। होता नहीं। और फिर बड़े हो के बच्चे को बोलते हैं देखा शादी हो गई तो बदल गया बड़ा हो गया तो बदल गया कहा से बदला? हमें ये देखना होगा ये वोंड कब लगाया उस पर आज भी जब हम बड़े भी हो जाते हैं तब भी अगर हमें कोई कुछ कह देता है जो हमें ठीक नहीं लगता तो कहा हम जल्दी जल्दी भूलते हैं तो जल्दी जल्दी तो नहीं भूल पाते हैं वो बूंद तो रह ही जाता है बीस में दस साल तो हो साल लगते हैं आप जल्दी है तो नहीं भूलता ना और सामने वो व्यक्ति आता है तो वो बात फिर याद आ जाती है ना मैंने आपको लास्ट एपिसोड में नहीं कहा मैं फोटो भी देखता हूँ उस आदमी की जिसने मुझे एक बार इंसल्ट किया था पब्लिकली तो वापस मुझे गुस्सा आता पूरी कहानी याद आती है एक बच्चे के लिए उनके पेरेंट्स कौन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है the most कोई और पीपल इन दर्ल्ड हाँ कोई और गुस्सा कर दे hmm. कोई और डांट दे पड़ोसी डांट दे पड़ोसी आके हाथ भी उठा दे तो वो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है टीचर भी गुस्सा कर दे पूरी क्लास के सामने कर दे वो भी तो डांट पड़ती है क्लास में भी तो पड़ती है वो कहाँ याद रहता है किस बच्चे को याद है उस टीचर ने उस क्लास में डांटा था मेक डिफरेंस भूल जाता है पेरेंट एक बच्चे के लिए पेरेंट आइडियल फिगर है उसके लिए एक जैसे भगवान है ये जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं एक पर्टिकुलर एज तक बाद में उसकी इंटेलेक्ट डेवलप होने लगती है लेकिन एक बच्चे इवन आफ्टर द द डेथ ऑफ़ पेरेंट्स आइडियल तो उनके लिए तो उनके लिए आइडियल तो तो वो, वो एक अलग होता है लेकिन जब एक छोटा बच्चा होता है एक छोटे बच्चे के लिए सी देयर इज नोबडी एक छोटे बच्चे के लिए दिस इज एवरीथिंग ये जो बोलते हैं अगर पेरेंट छोटे बच्चे को बोले ये दिन है तो दिन है अगर ये बोले ये रात है तो रात है उसने सीखा ही सब कुछ वहां से है वो ही सब कुछ है उसके लिए अब वो पेरेंट अगर वो बच्चे को बोले कि तुम्हें कुछ नहीं आता तुम कुछ भी नहीं करते हो तुमसे ये होने ही नहीं वाला है आर नो गुड तो ये एक एक बात भी तो सच बन जाएगी उस बच्चे के लिए ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कौन किसको कह रहा है इन विच रिलेशनशिप ये बहुत ये पेरेंट के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे गुरु ने मुझसे कहा था एक बार कि मैंने बोला ये बैंक जाएगा तो कहीं जाके कहीं घुमा वुमा देगा पैसे उल्टा इसको मत भेजना किसको वन ऑफ द फैमिली तो एक तो उन्होंने बोला एक तो आप उसको बैड वाइब्रेशन दे, दे रहे हैं दूसरा उन्होंने कहा तुम जो श्राप का वर्ड का मीनिंग पूछते थे ना ये है श्राप yes. तुम दे रहे हो अपने औलाद को श्राप ये, ये है क्योंकि श्राप मतलब ही क्या और ब्लेसिंग मतलब ही क्या ब्लेसिंग मतलब प्योर पावरफुल इम्पावरिंग एनर्जी फिर हम इतना गुस्से में बोले नहीं ये तो झल्ला है पागल है इसको बैंक नहीं भेजना ये तो कुछ नुकसान करके आएगा इसको भेज दो ये वाला अच्छा है इज इट कितना बड़ा श्राप ये आपने जैसे कि उसकी डेस्टिनी लिख रहे हैं क्यों हमने कहा हमें लगा ये यू नो दिस इज द ट्रूथ वो नहीं कर पाएगा अगर आप किसी पेरेंट को कहें ऐसा क्यों कहा क्योंकि तो वो सच है वो नहीं कर सकता है उससे नहीं होने वाला है कह दिया वो छोटे से बच्चे ने सुन लिया सुनकर अपनी इमेज क्रिएट कर ली मान लिया सुन क्योंकि लिया। सामने वाला जिसने कहा वो उसी ने सब कुछ सिखाया है आज तक वो राइट बात सिखाते हैं तो जब उन्होंने कहा कि तुम नहीं कर सकते तुम ऐसे हो इमेज बना ली ये है सेल्फ इमेज, एक बच्चा अपना परिचय अपने पेरेंट्स से लेता है, जब तक वो बड़ा होकर औरों से इंटरेक्ट नहीं करता और और कलर्स उसकी इमेज में नहीं But आते हैं। ब्यूटीफुल लाइन एक बच्चा अपना परिचय अपने पेरेंट्स से लेता है कि आई एम सो जब मैं किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ तब फिर वो बच्चा बोल भी देता होगा जिससे प्यार करता है आई यू नो समथिंग मैं बड़ा इस मामले में बड़ा कमजोर हूँ yes. क्यों क्योंकि पेरेंट्स ने उसको बचपन में बोला हो अब वो उसका अपने बारे में बिलीफ है अब उसको ये भी नहीं याद कि ये बिलीफ तब क्रिएट हुआ था आज एक 25-30 साल के लड़के को ये नहीं याद के ये बिलीफ तीन साल की एज में क्रिएट हुआ था वो तो उसका अपने बारे में बिलीफ ही बन चुका है Hmm. मेरे से नहीं होता ये काम क्लमजी मेरे से चीजें गिर जाती हैं hmm. मेरे से टूट जाता है मैं स्लो हूं दूसरे बेटर हैं। मुझे टाइम लगता है कुछ भी अचीव करने में ये एक एक लाइन की प्रोग्रामिंग कब हुई थी कब हुई थी जब ऑपरेटर ने हमें पावर दी हुई थी कि मेरे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दो यू नो इफ आई गिव यू पावर कि ये मेरा कंप्यूटर है आप प्लीज इसमें आइए बैठिए इधर और मेरे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दीजिए जो इंस्ट्रक्शन आप फीड करेंगे अब मेरी मशीन वैसे ही चलेगी तो एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है क्योंकि अभी तक उसने सीखा नहीं ना अपना कंप्यूटर चलाना hmm. अभी तक सीखा नहीं उसको जो सिखाया जा रहा है जो किया जा रहा है वो उसकी प्रोग्रामिंग बनती जा रही है एक एक लाइन अब यही अगर पेरेंट बोले यूर वंडरफुल आपसे बढ़िया तो ये कोई करता ही नहीं है यू आर सो गुड जिस सी कि आपने कैसा किया इस काम को कितने प्यार से आपने इस चीज को उठा लिया यू आर टू गुड यू आर इंटेलिजेंट यू आर वेरी वाइज यू वंडरफुल यू आर उसकी इमेज बन जाएगी ऐसे हाथ ही भी है ना अपनी शक्ति भूल जाता है कि मैं चेन को तोड़ सकता हूँ उसको पतली सी चेन से बांध देते इतने बड़े हाथी को एक छोटे से मतलब तुलसी के पौधे से बांध दो खड़ा रहेगा क्योंकि उसको बचपन में बांधा 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 अब तो खाली धागे से लेके बांध दो कंडीशनिंग ना तो माइंड में मतलब वो समझता है कि मैं बंद गया बस। कंडीशनिंग so है ना तब उसने ट्राई किया था एक छोटे हाथी को किया जब तो, chain से बांधा तब उसने ट्राई किया ट्राई किया ट्राई किया नहीं हुआ एक्सेप्ट कर ले बिलीव कर लिया कि मैं ये चेन नहीं तोड़ सकता बिलीव कर लिया कि मुझे एक बार जब बांध दिया तो मैं ये तोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ फिर उसके बाद वो बड़ा होने के बाद भी नहीं ट्राई करेगा मतलब इस तरह इतनी इतना शक्तिशाली जानवर भी उसको बचपन में दिमाग में जैसे कंप्यूटर में ये डाल दिया और सारी जिंदगी भर वो मानता रहा इस बात को ऐसे ही मतलब कितने हम एक सोल की छोटे से नन्हे प्यारे बच्चा नया सोल उसके कंप्यूटर को कितना हम खराब कर सकते हैं हम कितना अच्छा भी कर सकते हैं हाँ ये लेकिन डिस्ट्रक्शन की इस वक्त बात हो रही है ना उसको कमजोर कर दिया तू नहीं कर सकेगा तू तो है ही ऐसा हाँ। तेरे को तो मालूम ही नहीं वो बड़ा अच्छा है तो छोटा तो अब लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं एक एक वर्ड उसको उसका परिचय दे रहा है एक एक वर्ड वो अपनी पिक्चर बना रहा है हमें सिखाना है ऐसा नहीं कि हमें एक फॉल्स वो रखना कि नहीं यू आर द बेस्ट हमें सिखाना है लेकिन सिखाने के लिए एक एक लाइन कैसी होनी चाहिए कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो जो पेरेंट्स मिस्टेक कर चुके हैं और ये पेंटिंग खराब बना चुके हैं उसको आज ठीक करें आज भी ठीक कर सकते हैं लेकिन आज उस बच्चे को भी ठीक करनी पड़ेगी साथ में उस बच्चे के बच्चे की ही बात कर रहे वो बड़े होकर तो ठीक करना इज वो तो ईजी है क्योंकि अब आपको अपनी इमेज को देखना है अपनी इमेज को देखना है जो आपने क्रिएट की थी और जैसे हमने एक बार पहले देखा था नए कलर्स उठाने हैं अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें क्रिटिसाइज किया भी था अब हमें इंट्रोस्पेक्ट कर मेडिटेट कर नए कलर्स उठाने हैं कि ठीक है मैं बिलीव करता आया अभी तक कि आई एम नो गुड ये नहीं हो सकता लेकिन इट्स नॉट ट्रू मैंने ये भी किया है आज तक मैंने ये भी किया है मैंने ये भी किया है आई हैव अचीव्ड सो मैनी थिंग्स विच मीन्स आई कैन डू इट अब खुद का खुद पेरेंट बनना पड़ता है फिर मन को बच्चा बनाकर खुद उसका पेरेंट बनके उसको अब नई कंडीशनिंग देनी पड़ेगी लेकिन अगर मैंने अपनी औलाद के साथ ऐसा किया तो मैं कुछ अब नहीं कर सकता अब की वोकेबुलरी चेंज कर लीजिए कंप्लीटली एंड वोकेबुलरी सिर्फ वर्ड से नहीं अपनी हर थॉट से कि अब आप उसके बारे में जो भी सोचें जैसे भी थॉट्स क्रिएट करें और फिर जब भी बोले हर थॉट और वर्ड एक ब्लेसिंग होनी चाहिए श्राप नहीं हर थॉट एंड वर्ड इवन अगर बच्चा बड़ी से बड़ी गलती भी कर दे तो जब कोई गलती भी कर दे तो उसको क्या देना है उसको एनर्जी देनी है ना उठाने के लिए तो अब भी इवन अगर हमने पास्ट में कुछ भी किया है hmm. हम जिस फेज ऑफ लाइफ में हैं आज हम चेंज ला सकते हैं अगर आज हमारे घर में एक छोटा बच्चा है तब तो वेरी इम्पोर्टेंट कि आज हम ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे की डेस्टिनी उसकी थॉट्स से क्रिएट होती है उसकी थॉट्स को जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं आज उसकी थॉट्स उस हिसाब से क्रिएट हो रही है लेट्स बी वेरी केयरफुल कि हमारी एक एक थॉट और लाइन उसके लिए क्या हो वेरी प्योर एंड पावरफुल क्योंकि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग हो रही है और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा होता गया है या फिर बहुत बड़ा है अभी अब चेंज कर सकते हैं Hmm. क्योंकि कई बार संस्कार तो बहुत सालों से सेम चल रहा है कि वो आज बच्चा 20 साल का भी होगा 30 साल का भी होगा तो भी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं अब हमारी हर थॉट ऑन सेंटेंस वेरी प्योर एंड पावरफुल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आज हम ये पक्का करें हम हाथ नहीं उठा सकते हम किसी भी बच्चे पर किसी भी एज में हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि वी डू नॉट हैव द राइट कि Good. किसी की इतनी डिसरिस्पेक्ट हम करे हम उसी की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं जिसकी हम चाहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए थैंक यू सो मच सिस्टर आपका ये शब्द बहुत याद रहेगा मुझे स्वमान हर एक की रिस्पेक्ट करना और कभी किसी पे हाथ उठाने की बात तो सोचना भी नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सिस्टर अगले एपिसोड में मिलते हैं नमस्कार थैंक यू